भगवान शिव की नगरी काशी में परंपरागत रथ यात्रा मेले के पहले रविवार को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक किया गया। परंपराओं के अनुरूप भगवान जगन्नाथ को भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्नान कराया गया। मान्यता है कि भक्तों के प्रेम रूपी जल से हुए इस जलाभिषेक में जल से स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और फिर एक पखवाड़े के लिए उनके मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसी परंपरा के तहत रविवार को सुबह मंगला आरती के बाद वाराणसी के 80 मोहल्ले में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई। मंदिर के कपाट खुलने के साथ जलाभिषेक शुरू हुआ तो भक्तों में भगवान को स्नान कराने की होड़ मच गई। स्नान कराने के साथ भगवान को लंगड़ा आम पूरी मालपुआ का भोग अर्पित किया गया। भक्तों के अत्यधिक स्नान कराने के बाद भगवान के बीमार पड़ने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। परंपरा अनुसार अब मंदिर के कपाट 15 दिन बाद खोले जाएंगे। वहीं सोमवार से मिश्री तुलसी लौंग के औषधीय काढ़े के भोग से भगवान को स्वस्थ करने के जतन किए जाएंगे। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होने पर भक्तों को दर्शन के बाद पालकी में सवार होकर शहर में रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद अगले दिन भगवान को रथारूण होने के साथ काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिनी रथ यात्रा मेला आरम्भ हो जाएगा। जेठ पूर्णिमा को भगवान को भक्तों के द्वारा जलाभिषेक होता है, जो भगवान को स्नान कराया जाता है। दिन भर आज सुबह से 5 बजे पहले ट्रस्ट वालों ने आलोक शाहपुरी, दीपक शाहपुरी, संजय शाहपुरी लोग आए स्नान कराए। इसके बाद आम भक्त उनका अभिषेक कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। यह क्रम रात 11 बजे तक आज चलेगा। इसके बाद भगवान अस्वस्थ हो जाएंगे और 15 दिन तक भगवान अस्वस्थ रहेंगे और भगवान का दर्शन नहीं होगा। अमावस्या के दिन भगवान फिर प्रकट होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे और उस दिन भगवान को भोग लगेगा, काढ़े का बंद हो जाएगा, परवर का जूस दिया जाएगा। इसके बाद 19 तारीख को भगवान पालकी द्वारा शहर घूमने के लिए भक्तों द्वारा जाएंगे। नाथ जी को नहवाने के लिए आए थे गंगा जल से, क्या महत्व है इसके? आज पूर्णिमा के दिन भगवान को जल स्नान कराया जाता है। इसके बाद प्रभु जो है बीमार हो जाएंगे, 15 दिन के लिए ये अपने ससुराल में चले जाएंगे और 15 दिन बाद फिर इनकी रथ यात्रा निकलेगी और वो 3 दिन का महोत्सव होता है। काशी का बहुत पारंपरिक और पुराना महोत्सव है।